Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. बुधवार को अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में आयोजित अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अमेरिका में नस्लीय विभिन्नता पर चर्चा की। वहीं ओबामा से एक सवाल किया गया कि यूएस में दोबारा क्या कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बन सकता है। इसका जवाब देते हुए ओबामा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अमेरिका में महिला, हिंदू, यहूदी या फिर लैटिन अमेरिकी समुदाय से भी प्रेसिडेंट होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस शख्स में काबिलियत होती है वह अपने नस्ल और विश्वास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। आपको बता दें कि बराक ओबामा 2008 में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे और ऐसा पहली बार हुआ था कि जब अमेरिका में कोई ब्लैक प्रेसिडेंट चुना गया हो। 2012 में ओबामा को लगातार दूसरी बार प्रेसिडेंट चुना गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 20 जनवरी को रिपब्लिकन पार्टी से विजयी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट पोस्ट की शपथ लेंगे। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.